हेलो, हाय, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। मैं यहाँ पर ठीक हूँ, अपना बताइए कैसे हैं आप सब लोग? फ्रेंड, देखिए यहाँ पर मैं क्या बना रही हूँ। चने का दाल की सब्जी, उसको भिंगो दिए थे और उसको पीस लिए हैं। देखिए यहाँ पर पीस कर रेडी कर दिए हैं। और इसके बाद यहाँ पर प्याज को कट कर दिए, हरा मिर्च है, लहसुन है, अदरक लहसुन का पेस्ट है। अब इसमें ऐड कर देंगे मिर्चा और हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा मसाला ऐड कर देंगे। इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद अब इसको मिक्स करने के बाद अब कढ़ाई में इसको तलेंगे, छानेंगे, छान लेंगे। फिर कढ़ाई में छानते समय नहीं रिकॉर्डिंग किए, इसके लिए सॉरी। और देखिए यहाँ पर छान का रेडी हो गया है। देखिए यहाँ पर छान लिए हैं और यहाँ पर कढ़ाई रख दिए हैं और उसमें जीरा ऐड कर दिए हैं। इसके बाद लहसुन, हरा मिर्च, प्याज, उसको भी अब इसको भूज लेंगे, धीमे आँच पर भूजेंगे। देखिए यहाँ पर भूज लें इसको, 5 मिनट हल्के हल्के आँच पर भूज लेंगे। इसके बाद भूजने के बाद इसमें मसाला ऐड कर देंगे, हल्दी और लहसुन अदरक का जो पेस्ट डाले थे वो भी, और गरम मसाला, जीरा पिसे हुए थे इसमें, और मिर्च भी पिसे हुए हैं थोड़ा बहुत वो भी। और देखिए हल्दी भी ऐड कर दिए हैं और इसको धीमे आँच पर भूजेंगे। देखिए आपको जा कर थोड़ा बहुत, देखिए। और इसके बाद यहाँ पर मसाला और ऐड कर दे रहे हैं, अब इसको भूजेंगे। देखिए हल्के हल्के आँच पर भूजेंगे, इसको पानी थोड़ा सा ऐड करके भूज रहे हैं। अब अच्छे से भूज लेंगे, देखिए। और इसके बाद इसमें थोड़ा मसाला ऐड कर देंगे, गरम मसाला डाल देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे, देखिए। इसके बाद स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। इसके बाद भूनने के बाद पानी ऐड कर दिए और जो तले हुए थे पकौड़ा उसको अब ऐड कर दिए हैं। इसको 5 मिनट खौलाएंगे धीमे आँच पर, इसके बाद इसको उतार देंगे। फिर देखिए यहाँ पर अब पक गया है, पक रेडी हो गया है। फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।